हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल ब्रेसलेट टैट करना बताऊंगी। लेस बना लें या ब्रेसलेट बना लें इस तरह से, बीड लगाने से ये ज्वेलरी फॉर्म में आ जाता है। अदरवाइज़ इसको टेप लेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बीड्स की जगह पिको दे दीजिए आप, डेकोरेटिव पिकोज ही होंगे सारे। तो ये जो ब्रेसलेट बनाया है 6 इंचज लॉन्ग है। तो देखिए, इसको समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने इसमें ये रिंग बनाना है शुरुआत में, फिर ये चेन, फिर उसके नेक्स्ट चेन। हर एक चेन जो है रिवर्स वर्क करने के बाद ही हम करेंगे। तो ये चेन वर्क है सारा बेसिकली। पहले रिंग में एक बीड लगेगा, उसके बाद हर एक चेन में 4-4 बीड्स लगेंगे। तो ये टोटल मैंने 27 चेन बनाई हैं, तो टोटल 109 बीड्स इसमें मैंने यूज़ किए हैं। और लास्ट में देखिए, एक छोटी चेन बना के ये रिंग बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने 20 नंबर का थ्रेड इसमें लिया है और 2 mm के बीड्स इसमें भर लिए हैं। तो बीड्स इसमें छोटे ही होने चाहिए, तभी इसकी ब्यूटी आएगी। तो जो शटल में थ्रेड थोड़ा ही भरेंगे, क्योंकि 2 रिंग बनाने हैं और ये जिगजैग जो चेन दिख रही है इसकी लेंथ, इतनी लेंथ और 2 रिंग के अकॉर्डिंग आपने इसमें चेन थ्रेड भरना है। तो एक बीड हम इस तरह से रिंग में ले लेंगे और इसमें हम सबसे पहले लेंगे 10 double stitches। हर एक चेन और इन दोनों रिंग्स का मेजरमेंट सेम ही रहेगा। 16 double stitches का ही ये रिंग है और 16 double stitches की ही चेन होगी। तो देखिए, 10 double stitches लेने के बाद एक स्मॉल पिको, पिको का इसमें ध्यान रखना आपने, ये वाला जो पिको है ये ज्वाइनिंग पिको है। रिंग के मिडल में जो पिको आएगा या चेन में जो भी पिको आएगा, ये सारे पिकोज जो हैं ज्वाइनिंग पिकोज हैं और बहुत छोटे रखने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे ये डिज़ाइनिंग होनी है। बड़े रख देंगे तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। पिको के बाद 3 double stitches और एक बीड पिको, बीड आगे ले आएंगे रिंग में और फिर 3 double stitches लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल 16 double stitches का ये रिंग हुआ। देखिए, इस तरह से ये रिंग बन गया। अब इसको रिवर्स करेंगे इस तरह से, और ये जो बीड्स हैं ये हम अभी यूज़ करेंगे। तो हर एक चेन में 4-4 बीड्स हमने लेने हैं। तो इस तरह से फिंगर पे लपेट के बॉल थ्रेड को और बीड्स भी आगे रखेंगे। सबसे पहले हम 3 double stitches लेते हैं, 1, 2, 3। 3 double stitches लेने के बाद देखिए, एक बीड आगे लेके आएंगे हम इस तरह से, और फिर हम 2 double stitches लेंगे, 1, 2। 2 double stitches लेने के बाद फिर एक बीड पिको, फिर 2 double stitches, फिर एक बीड आगे लेके आएंगे, बीड पिको बनाएंगे और इसके बाद 3 double stitches। 2 double stitches हमने 2 बार लिए हैं। तो ये देखिए, 3 double stitches लेने के बाद एक बहुत छोटा सा पिको, फिर 3 double stitches और फिर एक बीड पिको। टोटल 4 बीड्स एक चेन में हम यूज़ करेंगे और इसके बाद 3 double stitches और लेंगे और ये चेन कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, अभी ये स्मॉल पिको पे हमने इसकी ज्वाइनिंग कर देनी है। शटल वाला थ्रेड इस पिको में से लेके आएंगे और ये लूप बना के इसी में से शटल पास करेंगे इस तरह से। बिल्कुल नाइसली आप चेन को पास में डालें, थ्रेड गैप कहीं पे नहीं बनना चाहिए। देखिए, इस तरह से ये ज्वाइन लग गया। अब इसको रिवर्स करेंगे। अब शटल का थ्रेड इधर लाने के लिए हम इस तरह से
ये नोट लगा लेंगे। अगर ऐसा ना करेंगे तो यहाँ ब्यूटी नहीं बनेगी। देखिए शटल हमारा अपने इस हाथ पे आ गया राइट हैंड पे, और ये चेन घूमेगी नहीं, फिर ब्यूटीफुली ये बनता जाएगा। जब हम ज्वेलरी वर्क करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना होगा। तो 3 डबल स्टिचेस लेंगे, चेन के स्टिचेस ऐसे ही बनेंगे। 3 डबल स्टिचेस लेके फिर एक बीड पिको, टू डबल स्टिचेस, फिर एक बीड पिको, टू डबल स्टिचेस, फिर एक बीड पिको, फिर 3 डबल स्टिचेस, 2, 3, फिर एक स्मॉल पिको लेंगे हम, फिर 3 डबल स्टिचेस, 2, 3, और एक बीड पिको, और फिर 3 डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट कर देते हैं। अभी फिर ये देखिए पिछली चेन के पिको से हमने ये शटल वाला थ्रेड ही उस पिको से इस तरह से निकालना है, और बिल्कुल पास में इस तरह से चेन को करके टाइट करके और इस लूप में से ही शटल पास हमने करना है। देखिए इस तरह से ये पूरा चेन वर्क इसी तरह से होता जाएगा। तो ये देखिए ये पिकोस छोटे होने की वजह से ये नाइसली बिल्कुल पास में ये चेन अटैच हो रही हैं। अगर यहाँ पे बड़े पिको होते तो ये फिर देखने में अच्छा नहीं लगता, ये चेन भी उठी उठी लगती, दूर दूर लगती, पास में नहीं रहती। तो देखिए हर एक रिवर्स वर्क करने के बाद जब चेन शुरू करने से पहले इस तरह से हमने शटल को अपने हाथ कर लेना है नोट लगा के। अब यहाँ पे फिर वैसे ही 3 डबल स्टिचेस लेंगे, एक बीड पिको, 2 डबल स्टिचेस, फिर एक बीड पिको, 2 डबल स्टिचेस, फिर एक बीड पिको, 3 डबल स्टिचेस, स्मॉल पिको, 3 डबल स्टिचेस, फिर एक बीड पिको, और 3 डबल स्टिचेस लेके ये चेन कंप्लीट कर देते हैं। और इसी तरह ये सारी चेन्स हम बनाएंगे। देखिए फिर बाद में ये बीड पिको, सॉरी ये जो स्मॉल पिको है इसी में हमने इसको अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये चेन अटैच हो गई, और इसी तरह से सारी चेन वर्क आपने करनी है। बस चेन के बाद चेन हमने बनाते जाना है। तो ये लेंथ आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितनी आपको चाहिए। मैंने तो 27 चेन बनाई है, तो आप इस तरह से अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको बनाना। तो इसी तरह से हमने शटल को नोट लगा के अपने हाथ कर लेना है। तो इसकी 2-3 चेन में आपको और बना के बताऊंगी अभी, फिर बाद में हम ये चेन बनाएंगे। और उससे पहले थोड़ी लेंथ बना के बता दूँ आपको। देखिए ये थोड़ी सी लेंथ मैंने बना ली है। अभी देखिए सपोज ये लेंथ हमने बना ली है, और ये अभी ये स्मॉल चेन और रिंग बनाना है इसके बाद। तो सेम उसी तरह हम ये चेन बनाने के बाद रिवर्स वर्क करेंगे। अब ये चेन बना के हटे हैं सपोज लास्ट वाली, तो रिवर्स करेंगे इसको और ये नोट लगा लेंगे हम, शटल को अपने हाथ कर लेंगे, और बिल्कुल सेम वैसे ही चेन बनाएंगे हम। 3 डबल स्टिचेस लेंगे पहले, 1, 2, 3, फिर बीड पिको लेंगे, ये सेम ऐसे ही 3 बीड इसी तरह से ज्वाइन होंगे, बीड पिको के बाद 2 डबल स्टिचेस, फिर एक बीड पिको, फिर 2 डबल स्टिचेस, फिर एक बीड पिको, और उसके बाद 3 डबल स्टिचेस। बस
थ्री डबल स्टिचेस तक ही हमने ये चेन बनानी है। स्टिचेस टाइट कर लेंगे, ये देखिए ये स्मॉल चेन हमारी बन गई। इसके आगे नहीं हमने बनानी, 3 2 2 3, और जो पिकोज हैं वो बीड पिको होंगे। अब फिर रिवर्स करेंगे और ये देखिए अभी ऐसा ही रिंग हमने बनाना है। उस रिंग में तो बीड दिया है, इसमें चेन में ऑलरेडी उस स्पेस में बीड है, तो यहाँ बीड हम हैंड लूप में नहीं लेंगे, बस सिंपली एक रिंग बनाएंगे जिसमें 6 डबल स्टिचेस लेंगे। पहले 1 2 3 4 5 6, और इसको पिछली चेन में जो पिको दिया हुआ है स्मॉल उससे ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। तो ये ज्वाइन लगा देंगे और ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद 10 डबल स्टिचेस हम और लेंगे और ये रिंग कंप्लीट कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये देखिए ये रिंग हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से आप पूरा ब्रेसलेट बना लीजिए। तो ये थ्रेड्स जो हैं कट करके आप यहाँ स्टिचेस में इसको छिपा सकती हैं, जैसे मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया हुआ है कैसे इसको स्टिच करना है। तो इसी तरह से आप ब्यूटीफुल लेस बनाना, और बहुत ब्यूटीफुल लगती है ये। वीडियो आज की पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और जो पहली बार चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।